हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेआर लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस फाइंड फाइंड एंड रिप्लेस। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा होगा क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस पे तो हम रोज ही काम करते हैं, बट कभी भी जब आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो आप इस ऑप्शन बटन को बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं, इसको इग्नोर ही करते हैं, बट इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम ऑप्शन बटन पर। और यहाँ पर आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप कोई फॉर्मेटिंग से फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि आप किस तरीके की फॉर्मेटिंग फाइंड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चूज़ फॉर्मेट फॉर्म सेल। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट सेल ले लेता हूँ कि हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि तो आपके पास एक ब्रश आ जाता है कि हाँ आप इस किस तरीके की फॉर्मेटिंग चूज़ करना चाहते हैं। मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ जहाँ सेल अमाउंट लिखा, मैं इस तरीके की फॉर्मेटिंग चूज़ करना चाहता हूँ, यही फाइंड करें सिर्फ। तो फाइंड ऑल करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग दी हुई है। अब इस फॉर्मेटिंग को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, कंट्रोल ए करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे वो सेल्स हाईलाइट हो गए जिसमें ये सेम फॉर्मेटिंग है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा और इसके बाद मैं अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी भी तरीके का कलर देता हूँ, बोल्ड करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, मैं एक साथ कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। बाद में ये नहीं कि मैं एक पहले टेबल को करूँ और इसके बाद मैं स्पेशल पेस्ट करता जाऊँ हर टेबल पे। बट यहाँ पे मेरे पास अच्छा फीचर्स फाइंड एंड रिप्लेस में आया हुआ है कि मैं एक तरीके की फॉर्मेटिंग को चूज़ कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ और इसके बाद उसे रिप्लेस भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसमें फंक्शन भी फाइंड कर सकता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं फंक्शन भी फाइंड कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं कोई, तो फॉर्मूला फाइंड कर दिया जहाँ पे सम फॉर्मूला हो। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम, ओके, एंड फाइंड ऑल। तो मैं फाइंड ऑल करता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू देना पड़ेगा मुझे, हमें फाइंड ऑल करता हूँ। आप देखिए मेरे पास जहाँ जहाँ पे भी सम फंक्शन लगा हुआ है वो जगह हाईलाइट करने के लिए मुझे कंट्रोल ए करना पड़ेगा और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी फॉर्मूला लगा है वहाँ पे एक फॉर्मेटिंग हो जाए। फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर, येलो कलर बॉर्डर। आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगा होता है वहाँ हर जगह पे फॉर्मेटिंग आ जाती है। सेम कुछ और भी करके देखते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करके देखते हैं। फॉर्मूला को रिप्लेस करता हूँ मैं एवरेज फंक्शन पे। आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज करता हूँ। अब आप इसे रिप्लेस कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट चेंज होता है, सब में सिर्फ एवरेज आ रहा है। आप देखेंगे माउस से भी करके हावर करके देखेंगे तो आपके पास एवरेज का रिजल्ट क्या आ रहा है। सेम इसी तरीके से और बहुत सारी ट्रिक हम फाइंड एंड रिप्लेस में कर सकते हैं। जाइए इस ऑप्शन को ओपन कीजिए और इसके बाद चेक करके देखिए हम क्या क्या चीज़ें इससे डिस्कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।